शनिवार को यमन में हुए हवाई हमले में 140 लोगों की मौत हो गई है और 525 लोग घायल हो गए हैं। ये लोग एक जनाजे में शरीक होने के लिए जमा हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये हमला सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गुट ने किया था। इस हमले में 140 लोगों के मरने का आंकड़ा शुरुआती हेल्थ रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। यूएन ने घटना की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी आम नागरिक की मौत ना हो। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गुट ने अप्रैल 2015 में यमन की राजधानी सना में मौजूद हैती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले का फैसला लिया था। यमन अरब के सबसे गरीब देशों में एक है और पिछले काफी समय से अस्थिरता का सामना कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में शनिवार को हुए हमले को अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में एक माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला यमन के राष्ट्रपति अबेद राब्बो मंसूर हैदी के समर्थन में किया गया था। हालांकि सऊदी गुट ने एक बयान में कहा है कि घटना की जगह पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की और घटना के लिए दूसरे कारणों की जांच की जानी चाहिए। पिछले कई सालों से यमन गृह युद्ध से जूझ रहा है और इस हमले को अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।